बोतल लानी पड़ेगी। अब 4 दिन से बोल रही हूँ गैस खत्म हो रही है, गैस खत्म हो रही है, कोई सुनेगा भी मेरी इस घर में या मैं ही जाऊँ गैस लेने? एक काम नहीं करेंगे ठीक ढंग से। अरे रुको बाबा रुको, आ रही हूँ आ रही हूँ। सुबह नहीं हुई क्या रे? कल दूध कम था? नहीं नहीं था, बंद कर दूंगी मैं। दिन भर ये गाना सुनते रहो, लो चाय पी लो। कॉलेज भी अब मैं ही चली जाती हूँ, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है, बंद कर दो भोपू। ये भी मुझे ही करना पड़ेगा क्या? क्या विष्णु के दादाजी आने वाले ऊपर से दरवाजा बंद करने के लिए? हाँ। 25 जुलाई 2003, एक और दिन सचिन तेंदुलकर ने फिर नया रिकॉर्ड कायम किया था। अमेरिकी सेना ने शांति के लिए एक और लड़ाई शुरू कर दी थी और मैं हमेशा की तरह अपनी नौकरी बचाने घर से निकला था। तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्यों क्या? सेल्समैन नॉट अलाउड। आप मुझे नहीं रोक सकते। क्या? चलो तुम ए, 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 निकलो यहाँ से। चलो सेक्रेटरी साहब का परमिशन है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। तो अभी बोला ना। चलो जाओ। आप ही तो वन वे में आ गए। अच्छा वन वे में आ गए तो क्या तू जान ले लेगा? चल पैसे निकाल। क्यों? क्यों क्या? हेडलाइट का पैसा क्या तेरा बाप देगा? देखिए आप अब लाइसेंस है तेरे पास? हाँ है ना, घर पे। तो चल थाने। थाने क्यों? वहां सब कुछ पता चल जाएगा। बस अब जल्दी से पैसे निकाल दे। 100 नहीं 200, बड़ी गाड़ी है। तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाते तुम। पता नहीं कॉलेज में क्या पढ़ाते हो। अब क्या हो गया? क्या हो गया?
सब्जी के साथ मैंने धनिया और हरा मिर्च भी बोला था ना। अरे हाँ, वो मैं भूल गया। भूल गया? मेरे खाने की बुराई करना तो कभी नहीं भूलते। लो, आ गए आपके। पच्चीस दिन भी नहीं हुए स्कूटर लाए। अरे भाई, उसे चोट वोट लग गई होगी। चोट लगी होती तो मेरे सामने ऐसे खड़ा नहीं रहता। अरे क्या, मेरी गलती नहीं थी। तुम्हारी गलती नहीं थी तो क्या? अरे, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, मेरी गलती। बोलो 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 ना, या तुम स्कूटर चला रहे थे, आगे से किसी ने आके ठोक दिया। अरे बोलो। अरे क्या कर रही हो? देखो, तुम अपने बेटे की तरफदारी करना बंद कर दो, समझे? ये लेक्चर है ना, किसी कॉलेज के स्टूडेंट को देना, मुझे नहीं। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा, समझे तुम? चुप, अब जाओ, अंदर जाओ। दोनों बाप बेटे मिलके किस जन्म का। हाय मॉम। हाय बेटा। पापा, मम्मी लाइब्रेरी में किताब रखी है, प्लीज आते सर। ओके, ऑफ कोर्स, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। बाय मॉम, बाय बाय। बाय। गॉगल पहन के मेरे सर पे कूदो। बहुत फैशन का शौक चढ़ा है। ये बिल कौन भरेगा? बिल कौन भरेगा? दादा जी आने वाले हैं ऊपर से। मैं कब से कह रही हूँ विष्णु, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझसे बात करो विष्णु। ये क्या मेरी तरफ देखे जा रहे हो विष्णु? बिल कौन? तुम दोनों बाप बेटे मिलके इसी तरह मुझे सताते रहो।
बाय गाइस, बाय बाय। सोनी, हाँ, किधर जा रहे हो? तुम बताओ विष्णु, तुम्हें कहाँ पर जाना है? वो जुहू, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। अरे जुहू तो मैं भी जा रहा हूँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आओ बैठो, मैं तुम्हें जुहू छोड़ देता हूँ, आ जाओ। अरे विष्णु क्या हुआ, तुम बैठे नहीं? मुझे लगा तुम बैठ गए। आओ बैठो, सीरियसली मुझे लगा तुम बैठ गए। Hey. समीर, did you wink at her? नहीं नहीं, क्या तुमने आंख नहीं मारी? समीर don't ya, वो क्या? वो मेरे सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग में रहती है तो आंख मारोगे? वो मेरी आदत है। क्या? यू आंख मारना तुम्हारी आदत है? देखिए गुस्सा मुझे भी आ सकता है। Samir is crying. You also have to bully him. Idiot fellow. Come, let's go. आँख मारता है। Such a big bully, Samir. He's crying. वो नहीं, इसको तो खुश होना चाहिए कि मैंने इसे जोर से नहीं मारा। अब तुम्हें भी मुझे देखकर हंसी आ रही है। मुझे तो सबको हंसाने के लिए बनाया ना। अच्छा लगता है मैं रोता हूँ, सब हंसते हैं। ठीक है, हंसो और हंसो। अरे मुझे बनाया क्यों तुमने? किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है, ना मेरे ऑफिस को, ना मेरे दोस्तों को, और ना ही मेरे घर वालों को। और जिस लड़की को इतना चाहता हूँ उसे भी नहीं। अरे जब इस दुनिया में किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है तो गायब भी कर दो ना मुझे। न्यूज़ दिन में 10 बार देखते रहते हो, छोड़ो मेरे सीरियल का टाइम हो गया। ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ रखा है? कोई चोर वोर आने वाला है क्या? पता नहीं ये विष्णु भी कहाँ गायब हो गया है। तुम्हीं ने तो भेजा है। पता है ये अपने घर का बिल भरने गया या पूरे मोहल्ले का भर के आएगा? आ जाएगा, अपने दोस्तों के यहाँ गया होगा। तुम अपना दिमाग मत चलाओ, जाओ दरवाजा बंद करो। जरूरत नहीं है तो गायब भी कर दो ना मुझे।
दुनिया में किसी को मेरी जरूरत नहीं है, तो काय भी कर दो ना मुझे। आज के दिन में दरवाजा बंद होने वाला है। जब मैं दिखता था तो कोई मेरी परवाह नहीं करता था, अब क्या होगा भगवान। आपने एक मूर्ति देखी, एक हंसते हुए देवी जी की, इधर ही कहीं फेंकी थी मैंने। एग्जैक्ट 11 बजे हम लोग पब में पहुंच जाएंगे, चार पांच बियर पियेंगे और फिर टैंग टैंग। आज दोपहर को तूने सलीना को देखा? शी वाज हॉट मैन। हॉट तो ये तीनों भी हैं यार, अब तो देखना मैं इनको कैसे पटाता हूं। टैन 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 टैन। अरे क्या हो गया? यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, पता नहीं ये विष्णु भी कहाँ गायब हो गया है। बिजली का बिल भरने गया है, बिजली की तार को कहीं पकड़ के खड़ा हो गया है। अरे भाई रुक जाओ, थोड़ी देर और देख लेते हैं। थोड़ी देर और देख लेते हैं, आने दो उसे, अब आने दो। चलो उठो, जाके पड़ोस के कांस्टेबल राणे उनसे जाके पूछो। क्या पूछूं? तड़का कैसे लगाते हैं, पूछो ना जाके क्या करना चाहिए हमें। जाओ उठो, चलो जल्दी चलो। अरे भाई बस। और आते वक्त पार्क में देख के आना, 260 रुपए ले गए, पूरे 260। अगर बिजली कटी तो तुम दोनों के गले काट दूंगी मैं। कौन है गायत्री? पता नहीं, जब से ये बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, इनकी बदमाशियां और बढ़ गई हैं। या यू हैव दिस ड्रिंक, आई विल गेट फॉर माय सेल्फ।
मिले? क्या कहा? मैंने बात कर ली उनसे। क्या कहा क्या? लेकिन यही विष्णु दोपहर से घर नहीं आए। तुमने नहीं, राणे साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कम से कम रात भर देख लो। क्या देख लो? अगर नहीं आता तो मैं फोन कर दूंगा। फोन कर देंगे ना? लेकिन हाँ कर देंगे। हाँ अरे सुनो, पूछा उनसे क्या कल उनकी ड्यूटी है? नहीं पूछा? नहीं ये नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? याद नहीं रहा मुझे। याद नहीं रहा? घर का पता कैसे याद रह जाता है? वो क्यों नहीं भूल जाते? कम से कम मेरा तो छूट जाएगा ना तुमसे पाला। कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ खा लेता हूँ। मुझे खा लो, अब उतना ही आएगा तुम्हें। रुको, तुम्हारा लाडला होगा, आने दो, मुंह नोच लूंगी उसका मैं। अरे कौन है, कौन बेल बजा रहा है? थप्पड़ मारूंगी मैं एक एक आके। किसी दिन इतना मारूंगी कि अपने खुद के घर की बेल बजाना भूल जाएगा वो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तिवारी का बेटा होगा, मिलने दो, टांग तोड़ के गले में लटकाऊंगी उसके। ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे मारा। मोहिनी किसने? Are you serious? या मोहिनी पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तुम्हारे सर पे कुछ गिर गया होगा। किसे मार? अब चले। हॉर्न कहाँ बजाया जा रहा है? बजना शुरू हो गया।
Suspicion, often hatred. Across the planet, debate rages. Are mutants the next link in the evolutionary chain? एक बार में समझ में नहीं आती क्या क्या प्रॉब्लम है? अपना पाँव अपने पास रखो। मेरा पाँव मेरे पास ही है। पाँव अपने पास रख, श्याणा मत बन। पैर नीचे रखो। What's with him? What is he talking about, Mohini? I didn't even touch him. क्या हाथ लगाया उसने? अबे अबे पहले मेरे पाँव लगा रहा था, फिर उसके हाथ लगाया। तू तू बाहर निकल। अरे आपकी प्रॉब्लम क्या है? बाहर निकल, मैं देखता हूँ तुझे। Just look at yourself. तुम्हें पता है कितने मुश्किल से टिकट्स मिले? शो हाउसफुल था समीर, तुमने सब चौपट कर दिया। वेरी अपसेट विद यू। इसमें मेरी क्या गलती है मोहिनी? These Indians are such rowdies. बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं। Just see this. तुमने झगड़ा किया ही नहीं ना, you did nothing. Come on मोहिनी, अब तुम उस गुंडे को सपोर्ट कर रही हो। Why would I touch that girl? वो लड़की की बात छोड़ो, तुमने झगड़ा क्यों किया? हुँ? बोलो। I don't know. You, Samir, you're so clumsy. मोहिनी कब पलट गया? समीर, of course. कब पलटेगा? तो ही तो कॉफी गिरेगी ना, हाँ? नहीं मोहिनी, कब अपने आप पलटा है? समीर, कब अपने आप कैसे पलट सकता है? अब क्या हुआ? मेरे पीछे कोई था क्या मोहिनी? नहीं, क्यों? मेरे सर पे अभी किसी ने मारा। समीर, 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 तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। There's no one behind you. Who will hit you? Mohini, somebody did hit me right now. Samir, you come with me. Come, get up. तो ऐसा कब से हो रहा है आपको? आज सुबह से डॉक्टर। आई सी। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? जी नहीं। नहीं डॉक्टर, ये आज पहली बार ऐसा हुआ है। कोई ड्रग्स वगैरह तो आपने कभी? नो डॉक्टर, ही इज नेवर डन ड्रग्स। आई जस्ट हैड वंस इन कॉलेज। समीर, तुम कॉलेज में ड्रग्स लेते थे? आई जस्ट टुक इट वंस मोहिनी। लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मोहिनी, कॉलेज में सब लेते हैं, मैंने एक बार सिर्फ ट्राई किया। तुम ड्रग्स कैसे ले सकते हो समीर? आप अब तो ड्रग्स नहीं लेते? जी नहीं। नो नो, थिंक मेबी यू डू। प्लीज मोहिनी। बट समीर, एक मिनट। अच्छा मुझे एग्जैक्टली बताइए, जब आपको यहाँ लगता है कुछ, कोई मारता है, तो किस तरह से महसूस करते हैं आप उसको? जी मैंने आपसे कहा ना, मुझे ऐसे लगता है मेरे सर पे कोई मार रहा है। दैट्स इट। आई एम आस्किंग अगेन, हाउ एग्जैक्टली यू फील? Come on doctor, मैं आपको कितनी बार बताऊं? Come on, let's leave Mohini. It's enough. मेरी प्रॉब्लम क्या है? तुम डॉक्टर है। Mohini, I can't. But Samir is a doctor, he'll ask you a few questions. Just get up, What's Mohini. The big deal? Let's go. Please. Samir, sit, please. सिर्फ सवालों का जवाब दो। What's the problem? Sit down.
कार्ड। जी डॉक्टर आप पूछिए, पता नहीं और क्या क्या किया होगा। डॉक्टर अभी फिर किसी ने मुझे मारा। Somebody did hit me right now. डॉक्टर ओके ओके आप बैठिए। आई डोंट नो डॉक्टर यहाँ भी फिर किसी ने मुझे मारा। बैठिए। कहाँ मारा? यहाँ या इधर? यस हाँ जी ऊपर। यस डॉक्टर यहाँ? हाँ जी ये यहाँ यहाँ ये ओके। समीर कोई तुम्हें कैसे मार सकता है? मोहिनी किसी ने मुझे मारा। समीर द डॉक्टर इज हियर, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम्हें कौन कौन मारेगा? समीर देयर इज नोबडी हियर। समीर मोहिनी आई एम टेलिंग यू। बट समीर हाउ कैन समवन हिट यू? समीर आई डोंट नो मोहिनी। डॉक्टर क्या कोई ड्रग से पागल हो सकता है? I'll give you some medicine. समीर डोंट बी स्टबन, आज रात को दवाई लेना, कल तक ठीक नहीं लगा तो फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे। समीर तुम बात सुन रहे हो ना मेरी? Yeah. I'm very worried यार। जादू है या है सपना, कुछ मिल गया है अपना, एहसास ये नया है, इसमें भी एक मजा है, खोटा है या खरा है, कुछ भी नहीं छुपा है, छाया जुनून कैसा, दुनिया लगे अजूबा, गायब होके सब दिखता है, मैं जहां भी रहूं, कोई ना मुझको देखे, मैं सबको देखूं, गायब होके सब दिखता है, मैं जहां भी रहूं, कोई ना मुझको देखे, मैं सबको देखूं। सहना है पड़ा, रूठा रूठा हर कोई अपना था मेरा, आज बाहों में आसमां भी है, एक साथी ना हो तो कुछ भी नहीं, वो भी मिल जाए दिल जिसे चाहे, प्यार से हो जाएगी जिंदगी हंसी, हर हाल में ये होगा वो मेरे पास होगा, छाया जुनून कैसा, दुनिया लगे अजूबा, गायब होके सब दिखता है, मैं जहां भी रहूं, कोई ना मुझको देखे, मैं सबको देखूं, गायब होके सब दिखता है, मैं जहां भी रहूं, कोई ना मुझको देखे, मैं सबको देखूं। ना मैंने कभी पीटा है, ना मारा है, ना डांटा है, बड़े लाड प्यार से उसे पाला पोसा, पता नहीं कहां चला गया है वो। झूठ है। पुलिस में रिपोर्ट की कि नहीं? क्या पुलिस में रिपोर्ट की कि नहीं? पुलिस में रिपोर्ट की नहीं? वो राणे साहब ने फोन ही नहीं किया। उन्होंने फोन नहीं किया तो तुम भी फोन नहीं करोगे क्या? अब क्या मुरत ढूंढ रहे हो क्या? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भाभी जी ठीक ही तो कह रही है, तू चल मेरे साथ। नाम ठीक से लिखवाना। मैं हूँ भाभी, चल। सुन, सबसे पहले रपट लिखाएंगे। अरे बलवंत, मैं पर्स भूल आया,
कुछ पैसे वैसे हैं कि नहीं? हाँ, उधर से होते हुए आएंगे। चलो। विष्णु के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है ना। सूना, उसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना आप लोगों को। आने दो उसको, मैं तो कहती हूँ मेरे साथ तुम भी चार चार हाथ लगा लेना। ऐसी बातें मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए। हाँ। चलती हूँ। अरे काहे का भरोसा, जो दिखते हैं उन पे नहीं भरोसा कर सकती मैं, और भगवान जो दिखते ही नहीं उन पे क्या भरोसा करूं। मैं भी तो नहीं दिखता हूं। Only 55 hours after the landslide, they hear a sound. मोइनी, 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 डरो मत, मैं भगवान हूँ। नहीं आ रहा है ना, ये देखो। After more than 2 days underground, Stuart can't hold out much longer against the cold and fatigue. I believe there's a crane coming. मोहिनी बेटा, मैं जानता हूं तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं यहां तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड समीर, वो लड़का जो तुम्हें प्रेम करता है, प्रेम का नाटक कर रहा है, तुम उसे जल्दी से जल्दी छोड़ दो। और हाँ, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगा। तुम्हारे घर के आसपास ही एक लड़का रहता है, मैं उसे एक शक्ति दे रहा हूं, एक ऐसी शक्ति जो किसी के पास नहीं है। मोहिनी बेटा, वो लड़का तुम्हें बहुत चाहेगा, बहुत प्यार करेगा। गुड नाइट। का निकला, उसकी दवाई काम कर रही है। I'm feeling perfectly fine now. Hello, Mohini, are you there? Samir. Yeah. Do you believe in God? God? तुम्हें क्या हुआ? नहीं वो कुछ, मैं सो रही थी, कुछ आवाजें सुनाई थी मुझे, I heard some voice. आवाजें? कुछ भगवान, भगवान की आवाज। भगवान की आवाज? समीर हंसो मत समीर। फजूल की बातें हैं और कुछ नहीं। अरे खूब जानता हूँ इन पुलिस वालों को बलवन, फोटो मांग रहे हैं ना, कल को उसके कपड़े लत्ते मांगेंगे, परसों बिस्तर मांगेंगे। अरे लड़के को ढूंढ रहे हो या सामान इकट्ठा कर रहे हो, कानून नाम की भी कोई चीज होती है? भाई मेरा क्या कसूर था, अगर जाना ही था तो मुझे बोल के चला जाता। 25 साल हो गए,
मैंने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उससे। अरे चला गया मिश्रा, एडवोकेट मिश्रा, अभी भी दबदबा है। ऐसा सीधा बेटा, घर में भूखा बैठा रहेगा लेकिन जिक्र नहीं करेगा किसी से। जब पहुंचता हूँ कोर्ट के अंदर सारे वकील खड़े हो जाते हैं। अरे मेरा क्या कसूर था, जाना ही था तो मुझे बोल के चला जाता बेटा। अरे जैसा आप खड़ा होके सलूट मारते हैं मुझे। अरे मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ रे बेटा। घर चलो भाई। हाँ। पैसे दे दो। लो। मैं तुम्हारे केस के बारे में सोचता हूँ। हाँ? पापा मैं विष्णु। कौन है? विष्णु। मैं यही हूँ पापा। मजाक उड़ा दे मेरा। नहीं कौन? मैं विष्णु। ये देखिए, मैं विष्णु। हाँ मैं विष्णु। बेटा कहीं तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं यही हूँ, मैं पापा मैं यही हूँ। आप मेरी बात सुनिए, आप यहाँ बैठिए, बैठिए, बैठिए। मैं विष्णु, मैं सिर्फ गायब हो गया हूँ पापा। गायब? कैसे गायब हो गए बेटा? आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए। ये बात मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, आप किसी से मत कहना। जिस दिन मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने गया था तो मैं बहुत दुखी था। आप, पापा आप मत रोइए, आप प्लीज मत रोइए, पापा प्लीज मत रोइए। गायब होकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। पापा आप मत रोइए प्लीज। और वैसे भी पहले मैं लोगों के लिए नहीं दिखने के बराबर ही था, लेकिन अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता। अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। पापा अब मत रोइए, अब मैं बहुत खुश हूं, अब मैं बहुत खुश हूं। अब आप घर चलिए। भेज दिया मुझे, मैं पूरी रात भटकता रहा तो मिले नहीं, मैं आ गया। देखो दरवाजे भी नहीं खोलेंगी, ऐसे ही है सब, यही जिंदगी है। किससे बात कर रहे हो? क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? मैं नहीं तो क्या? मैं नहीं, किसी से नहीं, यही बाकी रह गया था। चलो यही हालत रही तो एक दिन बाहर से उठा के लाना पड़ेगा। अरे भाई सिर्फ दो ही पैक तो पिए हैं। दो पैक पीने से ये हालत है, चार पीते तो पता नहीं हवा में ही उड़ने लगते। चार क्यों पीऊंगा? अरे तुम्हारा निकम्मा एडवोकेट मिश्रा साथ में हो ना तो चार क्या दस भी पियोगे। ये मैगजीन कौन सी? ये यहाँ से वहाँ, ये देखो वहाँ से यहाँ रहे, देखो ना। अरे ये तो यहीं रखी हुई थी। नहीं
अभी वैसे या या से वहाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने अभी वहाँ से क्या? वो देखो। अरे यहाँ कुछ भी तो नहीं है, क्या कह रही हो तुम? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? वहाँ देखो, वहाँ देखो, वो उड़ रहा है, देखो वो उड़ रहा है, उड़ रहा है। यहाँ आओ तुम पहले, यहाँ यहाँ आओ ना पहले, यहाँ क्या क्या बोल रहा है? देखो वो उड़ रहा है। कौन? डॉक्टर की जरूरत नहीं, क्या अजीब लग रहा है बताओ। पानी दो मुझे, पानी पानी दो ना मुझे। देखो देखो, विष्णु की वजह से ऐसा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो उड़ रहा था, वो उड़ रहा था, मैंने देखा उसे, वो उड़ रहा था, वो मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं उड़ रहा भाई, कुछ नहीं उड़ रहा, सब वहीं का वहीं है। उड़ रहा था वो। जाओ तुम आराम करो, जाओ। नहीं नहीं, वो मैंने देखा उसे, वो उड़ रहा था। कहाँ हो? सुनो। कहाँ जा रहे हो? थाने जा रहा हूँ विष्णु के फोटो देने। मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं भाई, उसके बाद मैं कॉलेज चला जाऊंगा। चलती हूँ ना मैं। नहीं नहीं, कॉलेज जाके क्या करोगी, यहीं रहो घर पे। सविता के घर पे हूँ, तुम आते वक्त मुझे बुला लेना। सविता क्या? मुझे कुछ काम है। अच्छा जाओ। यू नो संजय, वो सामने वाली मिसेस सिंह है ना, उनका बेटा पिछले 3 दिनों से लापता है, बेचारी शी सो वरिड। कौन वो सामने जो एक सुस्ता लड़का रहता है, बड़े बड़े भद्दे से चश्मे लगाता है, धीमी सी चाल वाला, बिल्कुल उसके बाप के जैसा है। उसके पास एक पुरानी सी स्कूटर भी है जिसे हमेशा किक मारता रहता है। या द सेम गाय। ओह हाउ सैड। व्हाट थिंग, कितना परेशान थी वो मालूम है? उसके डर से उसका बेटा ही नहीं बल्कि एक दिन पूरा मोहल्ला गायब हो जाएगा। संजय, how mean? लेकिन पापा, उसको तो मैं 2 दिन पहले कॉफी शॉप में देखा था। क्या बात कर रही हो? मामा, समीर तो उसे मारने भी वाला था। भाई क्यों? He winked at me, you know. I'm sure he's in love with you. No, papa, he doesn't look like that kind of person. लेकिन as usual, समीर a big bully, went to bully him, big misunderstanding. बेचारा रोने भी लगा बाद में। I felt so bad. बहुत सीधा साधा लग रहा था बेचारा। समीर इज अ बिग बुली, यू नो। हाय अंकल। हाय आंटी। हाय। हाय लव। हाय। तुम्हारे भगवान कैसे हैं? व्हाट भगवान? अरे समीर तुम चुप करो अभी। आंटी तुमने बताया नहीं? नहीं नहीं मामा, ये पता नहीं क्या बोल रहा है। व्हाट मोहिनी, आई मीन जस्ट आर यू ट्राइंग टू मेक फन ऑफ मी? आंटी लेट्स गो। मैं बताऊं आंटी को? समीर डोंट या। ओके अंकल, बाय आंटी।
से really कसम से ask मेरे heart से each and every part से inside सपनों में outside सामने you है only you है मैं भी love तुमसे really कसम से ask मेरे heart से each and every part से inside सपनों love to side hai without you my zindagi black and white hai ha I bhi to janu tere liye mad hai you na ho front mein to full day bad hai तेरे लिए कर दूं बस मेरे लव की यही डेडलाइन है मैं लव तुमसे रियली कसम से आस्क मेरे हाथ से ईच एंड एवरी पार्ट से इनसाइड सपनों तुमसे really कसम से ask मेरे heart से each and every part से inside सपनों में outside सामने you है only you है समीर समीर कौन है अनिल समीर मैं भगवान बोल रहा हूं भगवान अनिल जस्ट कम आउट हां तू घर के अंदर कैसे आया मैट के नीचे से चाबी निकाली क्या बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम किस तरह से मोहिनी को बेवकूफ बना रहे हो अगर तुमने मोहिनी के साथ अपने प्यार का नाटक बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा लेस लेस डोंट फूल अराउंड विद मी यार जस्ट कम आउट चल बाहर निकलना यार इससे पहले कि मैं तुम्हें नरक में भी जगह नहीं दूं तुम अमेरिका वापस चले जाओ लेस आर यू देयर देख मस्ती मत कर इफ आई कैच यू आई एम गोना ब्रेक योर लेग्स समीर तुम भगवान को बहुत गुस्सा दिला रहे हो लेस अनिल जस्ट कम आउट यार मैं बार बार ऊपर से इतनी दूर ये बात कहने धरती पर नहीं आऊंगा जस्ट कम आउट यार भगवान के बच्चे भगवान है तो साले सामने आ एक झापड़ मारूंगा ना ऊपर भेज दूंगा साले भगवान को गाली देता है बाहर निकल साले कौन है Who's it? भगवान को गाली देता है
मत मारो मुझे प्लीज। तुम ठीक हो ना समीर? क्या हुआ? क्या हुआ? ये बैट समीर, ये बैट हवा में। मत मारो, मत मारो। कैसे रही है? उड़ कैसे? What was that, Sameer? पता नहीं मोहिनी, मुझे तो सिर्फ आवाज सुनाई दी। मोहिनी एक मिनट, ये टोल मी कि मैंने उसे मारा और सबके सामने। मैंने किसे मारा और कब? क्या चाहती है वो? क्या है उसके पास? क्यों उसे इतना चाहती है वो? क्या करूं? और मेरे पास नहीं। ये मेरी माँ के साथ लातूर में। नाम? शांति देवी। बेटे का विष्णु, विष्णु विष्णु प्रसाद। उमर? एक और चाय ले आना। जी साहब। ये वो प्रीति जिंटा के साथ मेले में खिंचवाई थी 40 रुपए वाली, बहुत रोया था उस दिन। ये दादाजी के साथ, मतलब इनके पिताजी के साथ। ये नहीं, ये लीजिए ना, ये मेरी माँ के साथ वाली बहुत अच्छी है ये। अरे उन्हें ठीक लगा, लेना तू ना। बोल बोले। अरे क्या कर रही हो? समझती क्यों नहीं? सर, भूषण के केस का क्या हुआ? सर वो इंस्पेक्टर रवि को भेजा था लेकिन रास्ते में उसका ट्रांसफर हो गया। आज सावंत को भेजा है सर, कल तक वो आ जाएगा। पकड़ा गया है सर। ये कौन है? बड़े साहब। तुमसे भी बड़े? जी। चलो। ये पूरी रिपोर्ट बंदोबस्त पूरा हो गया? हाँ, पूरा बंदोबस्त हो गया। मैंने चेक कर लिया। साहब, मेरा बेटा खो गया है। गुड बोले, रिपोर्ट लिख ली है ना? जी हाँ सर। आप जाइए, जैसे मालूम पड़ेगा हम इत्तला करेंगे। जी साहब। वो एक मिनट साहब, एक मिनट साहब। साहब वो मिठाई है, मिठाई के लिए। क्या कर रही है? नहीं, क्या कर रही है? रिश्वत दे रही है? नहीं, 150 है। रिश्वत दे रही है? हैं? एक ऑफिसर को रिश्वत दे रही है? आपको हवालात में डाल दूंगा, हथकड़ी लगा दूंगा, समझे ना? मैंने नहीं, इन्होंने कहा था। गॉड बोले, व्हाट इज दिस? नहीं सर, इन्होंने नहीं, इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था हवालात में डालूं क्या तुम्हें? नहीं, चलो चलो। गॉड बोले, ये क्या सिस्टम बना के रखा हुआ है? घूस लेते हो तुम? सीधे खड़े रहो। जी सर। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? पूरे पुलिस स्टेशन को बदनाम करके रखा हुआ है तुमने। सर मैंने कुछ नहीं। शट अप इडियट। सॉरी सर। सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी सर। चलो, मैंने कब बोला तुम्हें? झूठ मत बोलो तुम। मैं झूठ बोलता हूँ? घर चलो, बताती हूँ। मोहिनी, नो पॉइंट गोइंग इनसाइड, आई एम टेलिंग यू। कोई फायदा नहीं अंदर जाने का। मोहिनी प्लीज कम। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? क्या बात कर रहे हो? सर, मैं समझ सकती हूँ कि आप हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी तो तुमने कहा कि वो दिखता नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है उसे तुमने कैसे देखा? सर, मैंने बैट देखा है। बैट दिखता है? सर, हाँ, इनके हाँ, कहने का मतलब है कि जिसके हाथ में बैट था वो दिखता नहीं है, सिर्फ आवाज सुनाई देती है। अब किसी के हाथ में तो बैट होगा ना सर? हाँ। किसने बैट पकड़ रखा था? सर, उसी ने जो दिखता नहीं है। तुमने देखा उसे बैट पकड़े हुए? नहीं सर। वही तो आपसे कह रहे हैं कि वो दिखता नहीं है। वो तुम लोगों को मैं दिखता हूँ या सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर प्लीज, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, वो अपने आप को भगवान कह रहा था। वो दिखता नहीं है, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है,
और वो भी भगवान की। सर आदमी जैसी आवाज थी। जी सर। अच्छा भगवान जैसी नहीं थी। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए सर। प्लीज सर। लेकिन किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखूं? बैट, भगवान या फिर उस आदमी के खिलाफ जो दिखता नहीं, या फिर तुम दोनों के खिलाफ? हा? सर मैं जानती हूँ। आप बिल्कुल नहीं जानती। आप दोनों एक मिनट भी यहाँ खड़े रहे ना, आप दोनों भी दिखाई नहीं देंगे। अब जा किसी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराओ। ये पुलिस थाना है, पागलखाना नहीं है। चलो मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। Come on, let's leave. चलो। Thank you.
सही है क्या? ताजा खबरों के अनुसार UBSL बैंक मुंबई की बांद्रा शाखा से 2 करोड़ रुपए लूट लिए गए। बैंक वालों का कहना है कि एक इनविजिबल फोर्स यानी अदृश्य ताकत ने बैंक को लूटा, यानी कि लोगों ने पैसों को तो जाते हुए देखा पर उस अदृश्य ताकत को नहीं देखा। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद इन लोगों को बहाना भी नहीं बनाना, इनविजिबल फोर्स ने बैंक को लूटा है वो भी 2 करोड़ रुपए। कोई भी सेंसिबल इंसान इस कहानी पर यकीन नहीं करने वाला। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। नहीं लग पाया है। बाकी जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं UBSL बैंक के बाहर, जहां पर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। बैंक के सारे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों का विश्वास बैंक और प्रशासन पर से उठ सा गया है और अब देखना ये है कि पुलिस इस अदृश्य लुटेरे की गुत्थी को सुलझा पाने में कितनी सफल रहती है। तो क्या करें, चले पुलिस स्टेशन? नहीं मोहिनी, कोई फायदा नहीं। But Samir, it's all over the news. पुलिस अब तो हमारी बातों को यकीन करेगी ना? और समीर, जो भी हमारे पीछे पड़ा है, पुलिस एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर पाएगी हमें। What are the choice do we have? मोहिनी, अगर उन्हें हमें बिलीव करना होता तो वो सारे बैंक एम्प्लॉयज को अरेस्ट ही क्यों करते? अगर अब हम पुलिस स्टेशन गए ना तो उन्हें लगेगा कि हम न्यूज देख के अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। मैं दोबारा पुलिस स्टेशन जाके अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहता। बैंक लूटने की खबर टीवी पर, कहीं तुमने तो नहीं बेटा? मुझे बता दो, मैं किसी से नहीं कहूंगा बेटा। मुझे बता दो बेटा। क्या ढूंढ रहे हो? क्या बोल रहे हो? नहीं, बटुआ नहीं मिला हमारा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये एहसास है बूंदों में डूबी प्यास है, उजलापन दूर दूर फैला। हाजिर है प्यार ये मेरा, जो कुछ मेरा है सब तेरा, आंखों के आस पास रहना। बेखबर नजर हो गया असर, की हुई है कब से, अब क्या सोचना, भूल जाने दे। गुमसुम है बात
शर्मीन पलके हसीन बाहों के नर्म बादल सच है क्या पता या कोई ख्वाब है कोई भगवान नहीं हूं तुम्हारी सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूं तुम सोच रही होगी मैं दिखाई क्यों नहीं देता वो जिस दिन मैं कॉफी डे में रो पड़ा था ना उसी दिन मैं एक बीच पर चला गया और चलते चलते मुझे एक मूर्ति मिली और मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया कि मुझे गायब कर दो और मोहिनी मोहिनी मैं गायब हो गया ये सब सच है और ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मोहिनी ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ देखो देखो मैंने तुम्हारे लिए बैंक भी लूट लिया मोहिनी 2 करोड़ क्या मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया लूट सकता हूँ बहुत पैसे दूंगा तुम्हें मैं बहुत पैसे दूंगा समीर से भी ज्यादा देखो तुम कौन हो क्या हो मैं नहीं जानती लेकिन उस दिन तुमने जो समीर को मारा मैं नहीं 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 मैं मोहिनी वो समीर ना वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ये अमीर बाप के बेटे 2-4 दिन घुमाकर लड़कियों को फेंक देते हैं तुम नहीं समझ रही हो ना मोहिनी ये सब पैसों के लिए तुम उसे चाहते हो ना सब पैसों के लिए ना देखो 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 मैंने तुम्हारे लिए पूरा बैंक लूट लिया है मोहिनी तुम जो चाहो मैं तुम्हारे हाथ में लाकर दे सकता मोहिनी प्लीज मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो मोहिनी वो समीर क्या चीज़ है मोहिनी तुम्हें लगता है कि मैं समीर के साथ पैसे के लिए हूँ What do you think of me? तुम मुझे समझते क्या हो? Wish I could bloody see you. तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हो. देखो, तुम समीर को छोड़ दो. तुम उसकी फिक्र मत करो. मैं उसे संभालूंगा. संभालोगे मतलब? What do you mean संभालोगे? अगर तुमने समीर को हाथ भी लगाया ना, even if you touch him, I'll find you and I'll kill you. Do you understand me? Are you listening to me? Mohini, मेरी बात समझने की कोशिश करो. Get out of here, just ready, get out. Do you understand what I'm saying? Do you understand? Get out. Mohini. Get out. Do you understand what I'm saying? क्या हुआ बेटा? पापा, एक ये लड़का है ना. इतने सारे रुपए कहाँ से? बैंक लूट के आए. बैंक? पता नहीं कहता कि मुझसे बहुत प्यार करता है और I don't know. Mohini, किसके बारे में बात कर रही हो? He's invisible, mama. Mama, you can't see him. Invisible? Even I can't see him. Mohini, नहीं समझ में नहीं आ रहा. मोहिनी एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा सामने वाली गली में रहता है और अभी कुछ गायब हो गया है घबराने की कोई सच कह रहा हूँ यार झूठ क्यों बोलूँगा ए भाई बोतल हवा में
तुमने ज्यादा पी ली है इसलिए तेरे को बोतल हवा में दिख रही है। किधर है बोतल? बदल हवा में सच में बोतल है यार, ये क्या हो रहा है यार? ए भाई कौन है तू? भगवान 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 जी। अरे काब गए चरण। ए भगवान तुम हमारे साथ यहाँ किस खुशी में दारू पी रहे हो? गम में। गम में? गम लव स्टोरी है क्या? हाँ है। सिर्फ उसे प्यार मांगा। मांगा? भगवान जी ने मांगा? मांगने से कुछ मिलता है क्या? हाँ? छीनना पड़ता है। छीनना पड़ता है। भगवान मुझे फरारी दे दो। फरारी कार कार कार। जो मांगते हैं वो भिखारी कहलाते हैं और जो जीते वही भगवान कहलाते हैं। जिंदा नहीं भगवान जो देता है। अबे लड़ू क्या बोला तूने? हमसे हमारी खुशियां कौन छीनता है? भगवान हमसे हमारी जान कौन छीनता है? भगवान तो जो छीनता वही भगवान है। और क्या? तो जो चिंता वही भगवान है। भगवान है और भगवान ही चिंता है। करेक्ट। छीनने में कोई बुरा नहीं है। जो चाहिए वो छीन लो। जीत तुम्हारी होगी। ए भगवान भगवान जाना नहीं। हाँ एक मिनट मैं पहले सैंडल पहन लूँ फिर जाना। विष्णु यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। क्यों ढूंढ रहे हो? तुमने शराब पी रखी है? हाँ पी है। बेटा ये टीवी पर बैंक। हाँ लूटा है। क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कह रहा हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो बेटा ये गलत बात है। गलत बात? 25 साल तक माँ मुझे बिना बात के डांटती रही, इतना मारती थी, वो गलत बात नहीं है बेटा? एक दिन के लिए भी हिम्मत हुई माँ को रोकने की? देखो बेटा नहीं ऐसा नहीं बोलते बेटा। सब सब मेरा मजाक उड़ाते रहे, वो गलत बात नहीं है। गलत बात? ऐसा मत कहो बेटा। क्यों ना कहूं? आज तक किसी ने मेरी एक बात सुनी तो फिर आज मैं क्यों सुनूं? बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा बेटा चलो घर चलो। नहीं जाना है मुझे कहीं भी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जो चाहूं छीन लूंगा, जो चाहूं छीन लूंगा मैं। गहमा गहमी
समझ रही है। कल के UBSL बैंक के वारदात के बाद पुलिस ने बैंक के सारे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज के जमाने में ये बड़ा अजीब सा साउंड करता है सर, पर उसने मोहिनी को खुद बताया है कि वो गायब हो गया है और बैंक भी उसी ने लूटा है। वो उससे कहता है कि बैंक उसने उसी के लिए लूटा है। सर वी आर वेरी वरिड, एंड ऑफ कोर्स मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि किसी भी बेतुकी बात पर यकीन कर लूं सर, लेकिन सर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। किसी और के लिए ये बड़ी अजीब सी बात होगी सर, लेकिन रॉबरी के दौरान लोगों ने देखा है, अब इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे ना सर। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं सर कि बाकी का पैसा भी उसी के घर पर मिलेगा। गलतियां होती है, माफ भी कर दो। अरे आप मैं गलती होगी मुझसे, मैंने पैसे इन्होंने कहा था मुझे। साइलेंस, विष्णु इधर किधर है? हाँ अब तक नहीं आया, इसीलिए तो मैंने, सुनिए ना आप, चुप रहो, इसीलिए तो मैंने कंप्लेंट की थी ना। चुप रहने के लिए बोला तो चुप रहने का, मुंह बंद रखना नहीं तो घोड़ा दबा दूंगा, मुंडा फूट जाएगा तुम्हारा, समझे ना, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। कोई आवाज नहीं करनी, याद है ना? सर मुझे लगता है कि नहीं, मैंने सर पैसे मिल गए। वेरी गुड, पैसे तो मिल गए। पैसे? कैसे पैसे? विष्णु ने बैंक लूटा है और वो दिखता नहीं है, और इस बात की जानकारी तुम लोगों को है, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, समझे? नहीं नहीं, आप लोगों से गलती हो रही है, बोलिए ना, आप गलती हो रही है आप लोगों से, वो तो दो तीन दिन से गायब हो गया है, वो क्या बैंक? नहीं नहीं, आप लोगों से गलती हो रही है। नहीं, वो सच कह रहे हैं, विष्णु अब किसी को दिखाई नहीं देता, वो सचमुच गायब हो गया है, बैंक भी उसी ने लूटा। मालूम है, मैं पहुंच रहा हूं यार जल्दी। अरे अरे दिखता नहीं है क्या? कमाल है। ओ अरे दिखता नहीं है क्या? माफ कीजिए बहन जी, पता नहीं क्या है।
या एनी मिनट। हाँ मोहिनी कहाँ है? बताओ कहाँ है मोहिनी? कहाँ है मोहिनी? कौन है संजय? ठीक है तो तुम लोग नहीं बताओगे? ठीक है छुपा सकते हो? मुझे मालूम है वो कहां होगी। मांगूंगा नहीं, अब छीनूंगा। क्या हुआ मोहिनी? वो मुझे ढूंढता हुआ घर पहुंच गया है। What? He's created a huge chaos over there. सारी चीजें तोड़ फोड़ डाली है। समीर वो कहता है कि उसे मालूम है कि मैं कहाँ हूँ। समीर, we have to rush from here. We have to leave immediately. Come on, समीर, we have to go. We'll be right back.
20 आदमी को लेकर जाओ। नाकाबंदी टाइट। सर मैंने अपनी आंखों से देखा, एक मोटरसाइकिल बिना आदमी के अपने आप चल रही थी। क्या बिना आदमी के मोटरसाइकिल चल रही थी? यस सर। कहाँ? वर्ली सीफेस। जरूर ये विष्णु होगा। यस सर। तो तुम क्या कर रहे थे, पकड़ा क्यों नहीं उसे? यस सर। यस सर क्या मतलब? नो सर, मेरा मतलब है जब उसे देख ही नहीं सकते तो उसको पकड़ते कैसे सर? अरे बेवकूफ, कम से कम मोटरसाइकिल को पकड़ते। यस सर। यही एक तरीका है उससे बचने का। शहर छोड़ के जाना होगा मतलब? हम क्या कर सकते हैं मोहिनी? We have no option। उसे हम दोनों के घर पता है। वो कहीं भी हो सकता है। समीर लेकिन कहाँ कहाँ जाए? मोहिनी हमें ऐसी जगह जाना होगा जो उसे ना पता हो। पता है समीर पर कहाँ? We can go to states मोहिनी, अमेरिका मेरा दूसरा घर। I think we'll be safe there। और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। That sounds like a good idea। Where's your passport? वो घर पे। Come let's go and get it। समीर क्या तुम भूल गए? He's invisible, कहीं पे भी हो सकता है। बाहर जाएंगे तो देख लेगा। क्या गारंटी है कि वहाँ पे नहीं है? तो तुम घर पे फोन करके पासपोर्ट यहाँ मंगवा लो। मैं फोन घर पे छोड़ आई। Where's yours? Oh God। Oh my। मोहिनी लेकिन हमें फोन करने के लिए बाहर तो जाना ही होगा ना। पर समीर हम बाहर कैसे जाए? समीर एक आइडिया है। मोहिनी नंबर बताओ। खाला का गला खराब है। जी खाला दौड़ती है, जॉगिंग। मैं भी। कहाँ? हेलो पापा। पापा मोहिनी। मोहिनी बेटा तुम लोग हो कहाँ? तुम लोग ठीक तो हो? हाँ सब कुछ ठीक है पापा, एक एड्रेस लिख लेना। हाँ ठीक है बेटा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। दे फाइन। हाँ बेटा, प्लॉट नंबर 38। हाँ ढूंढ बोलो। या हाँ हाँ ठीक है बेटा, हम लोग अभी पहुंच रहे, तुम लोग वहीं रुकना, डोंट वरी। हाँ हाँ बेटा। अच्छा पापा एड्रेस गलत है, अभी जो मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनना, क्योंकि शायद वो आपके आसपास हो। अच्छा मैं आपको दूसरा एड्रेस दूंगी, उसे ठीक है मुझे, व्हाट इज इट? बस ध्यान से सुनना और वहीं पे चले आना। हेलो। हाँ सुना मैंने। तुम एक काम करो, बारात का वीडियो कवरेज लेके फौरन ऑफिस पहुँचो, मैं लंच करने के बाद आता हूँ। ओके। परेशान करके रख दिया है कमबख्त ने। ये तो बहुत कम है। ए! कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? वही जिसने तुम्हें। ए! ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? मोहिनी, मुझे मोहिनी चाहिए। मोहिनी? मुझे गलत पता दिया उन लोगों ने, अब पता था सबको। ए! 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 देखो बुद्धू लगता हूं मैं, जो कुछ भी तुम कर रहे हो बहुत गलत छुपा रहे ना वो लोग। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। 24 घंटों के अंदर मुझे मोहिनी चाहिए। अब पुलिस ढूंढ कर देगी मुझे मोहिनी, आप ढूंढोगे मोहिनी को मेरे लिए, वरना इस शहर का वो हल करूंगा कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं होगा। तुम जहां भी हो, तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बना के तुम्हें छुड़वा देंगे। मैं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हाँ ये किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर? पापा हम स्टेट्स जा रहे हैं। स्टेट्स? हम दोनों वहां ज्यादा सेफ होंगे। हाँ पर वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग कब तक यूं ही भागते रहोगे? जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा आंटी। ठीक है बेटा,
जब मैं उसे नहीं रोक सकता हूँ तो तुम दोनों को जाने से कैसे रोकूं? But I guess you guys should leave. अगर वो आप लोगों को यहाँ पे देख लेगा ना, he'll recognize us as well. इन बच्चों को कितनी बार बोला है कि यहाँ पर क्रिकेट ना खेला करें। बेटा, you look after yourself. Okay. Take care, yeah, uncle. Take care. I'll see you tomorrow. Bye, bye. Bye, mama. Bye, bye. Bye, papa. Yeah, bye. Come on, let's leave. बताइए क्या कहूं मैं सीएम साहब से कि हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो दिखता नहीं है। ऐसी बेतुकी और अंधविश्वासी बातों पर लोग क्यों यकीन करेंगे? बताइए आप मुझे। सबसे पहले न्यूज़पेपर और चैनल्स वालों को इससे रिलेटेड न्यूज को हाईलाइट करने से रोकिए और पता कीजिए असलियत क्या है। ट्राई डूइंग समथिंग। इस तरह के हादसों को होने से रोकना होगा। यह पूरी तरह से प्रशासन की हार है। जवाब मुझे देना पड़ता है। एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी। सर। हाँ बोलो। सर, जो लोग बैंक रॉबरी के सिलसिले में रिपोर्ट लिखाने आए थे। कौन लोग? सर, वही गायब केस की जो कंप्लेंट करवाने आए थे, वो लड़की के पेरेंट्स। उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया है, दो बुर्का पहने हुए औरतों के साथ। ये फालतू बातें बताने के लिए यही वक्त मिला था तुम्हें? शट अप। एक्सक्यूज मी सर, इट्स अर्जेंट। सर, वो हज यात्री हैं, मैं बुरखा उठाकर उन्हें ढूंढू क्या? बिना टिकट मक्का पहुंचना है क्या?
मुझसे पूछे बिना कोई भी उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना, समझे? यस सर। सर शायद वही लोग हैं। सर नहीं सर, वो लोग नहीं थे। Excuse me, on what grounds? मैं भी देखता हूँ कि आप इन्हें यहाँ किस वजह से रोक सकते हैं। इनके यहाँ से चले जाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। That's your problem. मोहिनी और समीर को इन चीजों से आप दूर रखिए। देखिए आप मेरे one minute. Hello. विष्णु। विष्णु। हाँ बोलो। जल्दी ढूंढिए मोहिनी को आप लोग, जल्दी। देखो विष्णु, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने जो भी किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर सुबह तक मोहिनी का पता नहीं चला तो मैं आप लोगों को पूरी फिल्म दिखाऊंगा। हेलो 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 अगर उसे इस सुबह तक मोहिनी नहीं मिली वो शहर को और परेशान करेगा। मोहिनी कम ऑन लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। मोहिनी एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो वो ये सब क्यों कर रहा है। उसने पूरे शहर को, पूरी पुलिस फोर्स को परेशान करके रखा हुआ है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। लेकिन सर आप समझने की प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अभी उसने कहा है कि अगर हम तुम्हें ढूंढने में नाकामयाब रहे तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वी डोंट केयर सर। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ लेकिन पूरे शहर को नहीं। सिर्फ एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। तुम्हारी मदद से ही हम उसे पकड़ सकते हैं। सवाल पूरे शहर की सिक्योरिटी का है। अगर तुम ही शहर छोड़कर चली जाओगी तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। प्लीज मोहिनी प्लीज। आई एम सॉरी सर, वी हैव टू गो। समीर कम ऑन मोहिनी, लेट्स लीव। देखो मैं तुम लोगों को रोक नहीं सकता लेकिन याद रखना तुम्हारा एक फैसला बहुत लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। आने वाले खतरे को सिर्फ तुम रोक सकते। समीर डीसीपी साहब ठीक कह रहे हैं। सवाल सिर्फ हम दोनों का नहीं है, पूरे शहर का है। You know what he can do? ये तुम कह रही हो मोहिनी? He's right, समीर. He's right. उसने मोहिनी को ओरिएंटल मिल भेजने के लिए कहा है और वो भी बिल्कुल अकेले। ओरिएंटल मिल सालों से बंद पड़ा है, वहां कोई आता जाता नहीं। उसने कहा है कि मोहिनी के अलावा कोई और नजर आया तो वो शहर का और भी बुरा हाल करेगा। लेकिन डीसीपी साहब आप अब घबराइए नहीं, मैंने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। मैं तुम्हें इंडिकेट करूंगा जैसे ही हम पोजीशन ले चुके होंगे, जैसे ही वो तुम्हारे पास आए ये बजर दबाकर हमें इंडिकेट करना, हम मिल की तरफ प्रोसीड करेंगे। तुम किसी भी तरह से अपना दुपट्टा उसके ऊपर डाल लेना, इससे उसकी पोजीशन मार्क हो जाएगी और फिर वी विल शूट हिम। के लिए तैयार रहो, ओके? कोई आवाज, कोई मूवमेंट नहीं। ओके सर। ओवर एंड आउट। उसे पकड़ने का ये पहला और आखिरी मौका है हमारे पास, बहुत सावधानी से, ओके? यस सर।
मोहिनी बिल्कुल डरो नहीं, बिल्कुल डरो नहीं, हम सब तैयार हैं। एनी ट्रेस ऑफ हिम? सर मत हिलाओ, जैसे ही वो आए वो बजर दबाना। सर मत हिलाओ। लुक एट कैमरा थ्री सर। यूनिट प्रोसीड टू पोजीशन टू। डरो मत प्लीज, ये सब जो कुछ मैंने किया ये सब तुम्हारे लिए मोहिनी, मेरा मतलब तुमसे एक बार बात करने के मौके के लिए। मोहिनी से बात हो जाओ। क्या बात? उस दिन जब मैं पैसे लेकर तुम्हारे पास आया था तो तुमने मुझे बिल्कुल गलत समझा, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया तुमने। हेलो हेलो, इसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं बुरा नहीं हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ, बस चीजें होती चली गई, बढ़ती चली गई। हुई है लेकिन चलो, आखिर मैंने तुम्हें पा तो लिया। कुछ सुना नहीं जरा, do something about it। जानती हो मोहिनी, मैं जिंदगी में हर बार हारा हूं, गायब होने के बाद भी मैं एक बार जीतना चाहता था, बस एक बार, और तुम्हें पाने में मेरी जीत थी। मैं हर कीमत पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मोहिनी। लेकिन क्यों विष्णु? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हुआ क्या ऐसा? सोच रही होगी शायद ये मेरा पागलपन है, लेकिन ये पागलपन नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। पता है मोहिनी, मैं बचपन से तुम्हें बहुत चाहता था। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो अपने बाल ठीक करो। दैट्स इट। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं हमेशा तुम्हें देखा करता था और तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं मोहिनी। लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे और माँ बेवजह मेरी बहुत पिटाई करती थी। मेरी जिंदगी तो ना होने के बराबर ही थी, लेकिन लेकिन जब मैं तुम्हें देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ओके सर, ओके ओके मोहिनी, धीरे से दुपट्टा निकालो और उसके ऊपर डालो। मैं रोता था तुम्हें याद करके, पहले तो तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया। मोहिनी तुम डरो नहीं, हम सब तैयार हैं।
मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अगर इस दौरान तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे भी हो तो मुझे माफ कर देना। मोहिनी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, जो मांगोगी वो दूंगा। मोहिनी, दुपट्टा डालो उसके ऊपर। सिर्फ एक बार हाँ कह दो। तुम क्या सोच रही हो? Don't waste time, वो हाथ से निकल जाएगा। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। प्लीज एक बार हाँ कह दो। मोहिनी, आई एम सेइंग, दुपट्टा डालो उसके ऊपर। आई लव यू मोहिनी। वो हाथ से निकल जाएगा। प्लीज एक बार हाँ कह दो। मोहिनी, दुपट्टा डालो उसके ऊपर। एक बार हाँ कह दो प्लीज मोहिनी। विष्णु, भागो यहाँ से। Just run away from you, विष्णु। मोहिनी। Oh my God, ये इसने क्या किया? पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। They're all over the place. समझाने का वक्त नहीं, तुम खड़े मत रहो, भागो यहाँ से। विष्णु, run! क्या किया मोहिनी? सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया, अब कैसे पकड़ेंगे उसे? सर, वो बुरा आदमी नहीं है सर, मैं आपको उसे मारने नहीं दे सकती थी। शट अप, जस्ट शट अप। सब तुम्हारी वजह से, हाथ आया मौका हाथ से निकल गया, अब कैसे पकड़ेंगे उसे? टेल मी, ही इज अ थ्रेट टू द नेशन। पूरे शहर में उसकी वजह से दहशत फैली हुई है। तुम जानती नहीं हो कितना खतरनाक बुरा आदमी है वो और किस हद तक जा सकता है। No sir, he's not. You're wrong sir. वो सचमुच बुरा आदमी नहीं है। मोहिनी, तुमने एक क्रिमिनल को सपोर्ट किया है। It's an offense. Do you know that? Excuse me sir. You have no right to talk to me this way. मैं आपकी बात मान के यहाँ पे आई थी, because I thought you were right. कि आप सही हो उस वक्त। लेकिन सर, हम सब गलत हैं। सर, वो बुरा आदमी नहीं है। There's something's gone terribly wrong with him sir. सिर्फ उसकी बात सुन लीजिए आप। You can't kill him. आप उसे मार नहीं सकते सर। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। ऐसे पॉइंट्स ब्लॉक करो। कम ऑन, पकड़ो उसे। ये सब ऊपर ग्रीन लगा हुआ है, देख रहे हो? पकड़ो उसे। शिफ्ट टू प्लान बी, शिफ्ट टू प्लान बी। थैंक्स मोहिनी, तुमने मुझे बचाया आज। विष्णु, प्लीज वहीं खड़ी रहो, मेरे ऊपर कुछ लग चुका है, मैं दिख जाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूं, आज पहली बार मैं जीता हूं। विष्णु, तुम्हें क्या मिला ये सब कुछ करके? हाँ, एक दिन तुम्हें ये लोग पकड़ लेंगे और फिर मार डालेंगे। तुम मोहिनी, तुम, मैंने सब सुना, तुम भी मुझे चाहने लगी हो ना? मैं जानता हूँ मोहिनी, वरना तुम मुझे क्यों बचाती? विष्णु, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन विष्णु, आई कांट लव यू। हम दोस्त रह सकते हैं, तुम समझो ना विष्णु। लेकिन मोहिनी, ये प्यार नहीं तो और क्या है? मैं जानता हूँ तुम भी मुझे प्यार करने लगी हो, और वो समीर तो तुम्हारे लायक भी नहीं है। विष्णु, तुम्हें कैसे पता कि समीर मेरे लायक नहीं है? मैं जानती हूँ ना उसे, तुम यहाँ आओ। एक बात बताओ, अगर तुम कहते हो ना तुम मुझसे प्यार करते हो, हाँ, अगर कोई लड़की तुम्हें प्यार करने लगे, तुम्हें चाहने लगे, तो क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे? ऑफ कोर्स नॉट विष्णु, नहीं ना। तो विष्णु, मैं समीर को कैसे छोड़ सकती हूँ? ऐसा नहीं होता। और तुम कहते हो कि तुम जिंदगी में हमेशा हारे हो, और कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, कोई तुम्हें नहीं चाहता। विष्णु, आई डोंट बिलीव दैट। शायद भगवान तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं, इसलिए तुम्हें इतनी बड़ी स्पेशल पावर दी है, तुम्हें इतना अच्छा इंसान बनाया है। इमेजिन विष्णु, इस पावर के साथ तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। विष्णु, सोचो, अगर तुम अपने गायब होने का सही इस्तेमाल करो तो कितने लोगों की मदद कर सकते हो तुम। और फिर सोचो विष्णु, एक बड़ी ताकत के साथ उसे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपनी तरफ, लोगों की तरफ। और विष्णु, इस तरह की जिंदगी तुम कब तक जियोगे? हाँ, कभी न कभी तो ये लोग तुम्हें पकड़ ही लेंगे, then they will kill you. नहीं विष्णु,
तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, एक ऐसे आदमी की तरह जो सबसे अलग हो, एकदम हीरो। हिला मत। नहीं सर, 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 मेरी बात सुनिए सर। अब चुप बैठो। नहीं सर, सर थोड़ा सा वक्त दीजिए सर। I'm telling you सर, सर मेरी बात सुनिए सर। मोहिनी मूव, मूव, मूव। विष्णु रॉय। के चिथड़े भी पानी के ऊपर आ गए। फायदा कमन अब हम क्या कर सकते हैं मोहिनी? जो होना था वो हुआ, अब हम विष्णु को वापस तो ला नहीं सकते। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? नहीं समीर, शायद मैं कुछ कर सकती थी, वो बुरा आदमी नहीं था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की उनको, उन्होंने बिना जाने उसे मार डाला। आई जस्ट फील वेरी गिल्टी अबाउट दैट। समीर, मुझे ऐसा लगा कि मैंने विष्णु की आवाज सुनी। मुझे भी ऐसा लगा मोहिनी। विष्णु हमारी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था, शायद इसलिए। मोहिनी, मैं विष्णु, मैं जिंदा हूं मोहिनी। विष्णु, विष्णु, लेकिन विष्णु वो गोलियां उस दिन पानी में कूदते वक्त मैंने शर्ट उतार फेंकी थी। मोहिनी, मैं तुम दोनों से मिलने आया हूं, जानती हो क्यों? तुमने उस दिन जो कुछ भी कहा मुझसे, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं अपने आप को डीसीपी साहब के हवाले कर रहा हूं। मैं अब एक अच्छे इंसान की जिंदगी जीना चाहता हूं। और समीर, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। बाय मोहिनी। विष्णु, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, एकदम हीरो। था मेरे ख्याल मतलब से उसे जिंदगी में उसका मकसद क्या है, वो मकसद लाल प्यार से मैंने उसको पाला पोसा है। अगर वो जिंदगी पहले गायब हो गया तो पहले मुझे ही बताया था। तुम बात करते हो? अरे विष्णु आ गया, वो देखो। हां विष्णु आ गया, विष्णु आ गया। सर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि विष्णु प्रसाद को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने न सिर्फ खुद को कानून के हवाले किया बल्कि संविधान की मर्यादा रखते हुए अपने गुनाहों को भी कबूल किया। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत विष्णु प्रसाद, सुपुत्र श्री बलवंत प्रसाद को बैंक लूटने और लोगों की मानहानि के आरोप में 6 महीने कैद की सजा सुनाती है। क्या कर रहे हो? सर फोटो ले रहा हूं। इसका? चलो।
और इस तरह से मेरी लव स्टोरी खत्म हुई। आज एक साल हो गया, आज मैं एक नया विष्णु हूँ। अब लोग मुझे चाहने लगे हैं, सब कुछ बदल चुका है सिवाय कुछ चीजों के। विष्णु प्रसाद, लिखो लिखो और लिखो। तेल कौन लाएगा, तुम्हारे दादाजी? अब जाओ भी, और सुनो, आते वक्त 2 किलो टमाटर लेते आना, और हाँ, बिजली का बिल भी भरते आना। चलो आप, चलो जल्दी चलो, अंगड़ाइया मतलब, चलो अभी जल्दी। जा रहा हूँ ना माँ। अरे विष्णु, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। आप बैठे ना, मैं अभी आता हूँ। माँ है? हाँ जी, अंदर ही है। तो फिर मैं यहीं इंतजार करता हूँ। आप जाइए ना अंदर। नहीं, मैं यहीं इंतजार करता हूँ, तुम आ जाओ। सब दिखता है मैं जहाँ भी रहूं, कोई ना मुझको देखे मैं सबको देखूं। गायब होके सब दिखता है मैं जहाँ भी रहूं, कोई ना मुझको देखे मैं सबको देखूं। सहना है पड़ा, रूठा रूठा हर कोई अपना था मेरा। आज बाहों में आसमां भी है, एक साथी ना हो तो कुछ भी नहीं। वो भी मिल जाए दिल जिसे चाहे, प्यार से हो जाएगी जिंदगी हसी। हर हाल में ये होगा, वो मेरे पास होगा। छाया जुनून कैसा, दुनिया लगे अजूबा। गायब होके सब दिखता है मैं जहाँ भी रहूं, कोई ना मुझको देखे मैं सबको देखूं। गायब होके सब दिखता है मैं जहाँ भी रहूं, कोई ना